हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी की खीर। लौकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे हेल्थ के लिए, और कितना अच्छा रहेगा ना अगर हम लौकी की खीर बना करके खाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप अपने व्रत में बना करके खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी की खीर बनाना। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ एक पाव चीनी ली है, 3 पाव लौकी, और दूध है 1 केजी, और ये नारियल का बुरादा 3 बड़ा चम्मच है, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये तड़के के लिए मैंने यहाँ लौंग और इलायची ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है और दूसरे गैस पर मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि जो दूध है वो अपनी क्वांटिटी का 3/4 ना रह जाए। और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी कलछी देसी घी, और घी के मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तब इसमें डालना है ग्रेटेड लौकी, इसे अच्छे तरीके से चला देना है, और लौकी के अच्छे तरीके से पक जाने तक और उसके सारा पानी सूख जाने तक हमें इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पर। अब इसे मैं कवर कर दे रही हूँ इसका सारा पानी सूखने तक, और दूध को हमें बीच बीच में चला देना है ताकि वो नीचे से लगे नहीं। देख सकते हो दूध हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है, पर अभी वो अपनी क्वांटिटी का 3/4 नहीं हुआ है, तो अभी उसे हम ऐसे ही बॉईल होने देते हैं। और लौकी को भी हमें बीच बीच में चला देना है, इसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये भी लगना नहीं चाहिए। तो अभी अच्छे तरीके से भुना नहीं है तो इसे अच्छे तरीके से चला देना है। तो इसे कर देते हैं वापस से कवर और इसका सारा पानी सूखने देते हैं। सो गाइज, हमारी जो लौकी है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है और उसके अंदर का सारा पानी सूख चुका है। आप देख सकते हो लौकी कितनी ड्राई हो गई है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और दूध भी अपनी क्वांटिटी का 3/4 हो चुका है, तो इसकी भी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, तो इसको भी थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। और मेरी जो लौकी है वो भी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम खाली कर लेंगे एक अलग बाउल में। तो इसे एक साइड में रख देते हैं। और ये जो मेरा पैन है जिसमें मैंने लौकी को रोस्ट किया था, उसमें हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं और इतने अपनी इलायची को हम थोड़ा थोड़ा खोल लेते हैं ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो बस मैंने इसे हल्का हल्का खोल लिया है। अब इसे हम इसी घी में डाल देंगे। घी गर्म हो चुका है अच्छे से, तो मैंने लौंग और इलायची एक साथ ले लिया है और दोनों को एक साथ ही डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल दूंगी दूध। सारा दूध डाल दूंगी एक साथ ही। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर मैं इसमें डाल दूंगी जो हमारी लौकी है वो। थोड़ा थोड़ा करके। ये खीर आप मेरा विश्वास मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मैंने सारा लौकी डाल दिया उसमें और इसे हम चला देंगे अच्छे से। अब इसमें हमें बॉयल आने तक का वेट करना है।
तो हमारी खीर में बॉईल आने लग गया है, इसे हम एक बार चला देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। देखिए कितनी थिक कंसिस्टेंसी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो हमारी लौकी है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब टाइम आ गया है इसमें चीनी ऐड करने का, तो मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। मैं सारा एक साथ ही डाल दे रही हूँ और अब इसे अच्छे तरीके से चला देना है ताकि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अभी हमें वेट करना है चीनी के मेल्ट होने तक का, तो इसे इस तरीके से चला चला करके हमें चीनी को मेल्ट करना है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है टोटली, पर इससे खीर में बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा, इसीलिए मैं इसमें ये कलर ऐड कर दे रही हूँ। और फूड कलर ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से चला देना है। और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ रेडीमेड नारियल के बुरादे का यूज़ किया है, पर अगर आपके पास घर में सूखा नारियल है तो उसे आप जार में ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। नारियल का बुरादा डालने के एक मिनट बाद तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से पकाएंगे। तो हमारी जो खीर है वो बनके रेडी हो गई है। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ, काजू, चिरौंजी, बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो चलिए अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी गार्निशिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो खीर कितनी ज़्यादा टेस्टी देखने से ही लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। ये जितनी टेस्टी है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी है। और आपने देखा इस वीडियो में इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान था और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है ये। तो गाइस, इसे आप एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके की वंडरफुल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।